सरकार द्वारा भारत देश के नागरिकों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टॉयलेट योजना शुरू की गई। स्वच्छ भारत योजना के तहत भारत देश के सभी प्रदेश के नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा 12,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक ही शौचालय का निर्माण किया जाता है। यदि अभी तक आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है और आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से शौचालय योजना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में हम आपको सारी जानकारी दें। इस समय देश भर में स्वच्छ भारत अभियान पेज 2 चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान पेज 1 2014 से 2019 तक चलाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार शौचालय योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम टॉयलेट के माध्यम से उन सभी घरों में निःशुल्क शौचालय बनवाया जाएगा जिस घर में शौचालय नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन लागू किया गया था, जिसके तहत 2 अक्टूबर 2019 तक सभी ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाए गए। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए लक्ष्य वर्ष 2024 कर दिया गया है। पीएम स्वच्छ योजना का उद्देश्य लोगों को खुले में शौच मुक्त करना है। शौचालय योजना के लाभ केंद्र सरकार द्वारा जारी शौचालय योजना के माध्यम दिया जा रहा है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत में जाना होगा या ग्राम प्रधान से बात करनी होगी। वहां से आपको शौचालय योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होगा। फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, फिर सभी आवश्यक दस्तावेज संकलन करें।